और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट बनी है चर्चा का विषय। बड़ी खबर मिल रही है, 71 लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के ट्रांसफर है। थर्ड ग्रेड श्रेणी के लैब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तबादले को लेकर बड़ी खबर। थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के लिए आज से शुरू हुई है आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन से पहले ही लिस्ट जारी होना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आवेदन से पहले ही लिस्ट जारी होना चर्चा का विषय बना हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट बनी है चर्चा का विषय। 71 लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। थर्ड ग्रेड श्रेणी के लैब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तबादले और थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के लिए आज से शुरू हुई है आवेदन की प्रक्रिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं। ललित, क्या है जानकारी खबर पर? बिल्कुल, शिक्षा विभाग में आज जो तबादला सूची एक जारी हुई है 71 लोगों की, उसको लेकर चर्चाओं का विषय बना गया है। क्योंकि लाइब्रेरियन और लैब टेक्नीशियन के जो तबादले किए गए हैं वह सभी थर्ड ग्रेड श्रेणी के हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि थर्ड ग्रेड जो श्रेणी के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों चाहे स्टाफ हों, उनके तबादला आवेदन आज से शुरू किए गए हैं, कि यानी कि आज सुबह 10 बजे से उनकी तबादला प्रक्रिया जो आवेदन है वह शुरू हुई है, जो 25 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में बिना आवेदन करे ही इनके नाम सूची में कैसे आ गए, इसको लेकर लगातार शिक्षकों में चर्चाएं भी हो रही हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अंदर चहितों में रेवड़ियां बटी हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन शिक्षक और शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि तबादला सूची में आवेदन करने से पहले सूची में नाम आ गया, ऐसे में यदि अभी ये शिक्षक तबादले के लिए आवेदन करते हैं तो क्या दोबारा इनका सूची में नाम आएगा, और यदि ये आवेदन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग का ये कहना है कि बिना आवेदन के किसी के तबादला नहीं किया जाएगा, तो क्या बिना आवेदन के इनके तबादले मान्य होंगे, तो क्या शिक्षा विभाग का जो नियम है वह ताक में रखा जाएगा। बहुत सारी चर्चाओं का बाजार इस समय शिक्षा विभाग में गर्म है, क्योंकि सबसे प्रबल जो बात कही जा रही है वह कही जा रही है कि 3 साल बाद जब तबादलों में राहत दी गई है, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, तो 2-4 दिन का समय और ले लिया जाता, उसके बाद यदि सूची जारी होती तो शिक्षकों में असमंजस की स्थिति नहीं बनती, लेकिन बिना तिथि के ही सूची जारी करने से शिक्षकों में एक असमंजस की स्थिति भी बनी है। साथ ही जो एक डर की भावना है कि क्या एक बार फिर से सिर्फ चहितों को ही रेबड़ियां बटेंगी या चहितों को ही मन माफिक पोस्ट मिलेगी, इसको लेकर भी अब शंकाएं शिक्षकों को फैलती हुई नजर आ रही है, शंकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, और शिक्षा विभाग में चर्चाओं का जो बाजार है वो भी लगातार गर्म हो चुका है। शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।